तो गाइस यहाँ पे देखिए केक वगैरह कट सेलिब्रेशन हो गई है और यहाँ पे देखिए हर्ष के दोस्त सब आए हैं। ये भाई लोग लेट आए हैं, मैं नाम नहीं जानता लेकिन हर्ष के कॉलेज फ्रेंड हैं और हर्ष के काफ़ी क्लोज हैं तो अच्छे हैं। मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूँ, दो दिन पहले ही मिला था तो मैंने हर्ष से बोला था अपने दोस्त लोग को बुला लेना यार, अब क्या के बर्थडे में आएँगे तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा भी दोस्ती यारी भी बना रहेगा और आके तुम्हारे घर पार्टी में इंजॉय भी कर लेंगे। और यहाँ देखिए डांस का कुछ क्लिप बाकी था, हो गया डांस वगैरह। इधर देखिए हर्ष भाई के दोस्त लोग बैठे हुए हैं, मैं तो नाम नहीं जानता लेकिन हैं दोस्त, अच्छे हैं, कॉलेज फ्रेंड हैं, साथ में पढ़ते हैं अभी। और इधर चाचा जी बैठे हुए हैं हमारे। और देखिए इधर खाने पीना का कार्यक्रम भी स्टार्ट हो गया है। ये अंकित भाई हैं, अंकित भाई के दोस्त हैं और दीपक भैया, पंकज भैया सबको खाना खिलाने में लगे हुए हैं। सबको पूछ रहे हैं कौन खाए कोई नहीं खाए, पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो पता है आप लोग को सबसे ज़रूरी काम यही होता है कि घर पर आए मेहमान खाली पेट ना जाए, पूरा योगदान होता है, पूछने का फर्ज होता है, दिखाया जाता है। और भैया हमारे बड़े भैया जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत ही अच्छे हमारे भैया हैं। तो गाइस मैं बता दूं कि खाने में क्या क्या आइटम बना था, दाल था, चावल था, मिक्स वेज था और कोहड़ा की सब्जी विद चना ऊपर से, और जामुन था, सैलेड था, और क्या था यार, पनीर की सब्जी थी और हाँ बोल दिया, इतना सारा आइटम था, कोहड़ा की सब्जी बता दिया हाँ, उसी और दिल्ली में हमारे सीताफल बोलते हैं। तो खाना बहुत ही टेस्टी बना था। इसके पहले ब्लॉग में मैंने एक भाई के लोग का नंबर डाल दिया था कि भाई अगर कोई आसपास हो बनवाना चाहता है तो बनवा ले। तो यहाँ पे हमारे आए हुए सारे गेस्ट खाना खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो भी आया उनका दिल से स्वागत है, जो नहीं आया उनका भी दिल से स्वागत है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा अंदर की साइड क्योंकि गर्मी मुझे भी लग रहा है, भागते भागते हम भी परेशान हो गए हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए कोमल की बड़ी दीदी हैं और कोमल की एक और छोटी दीदी हैं, सब बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं और मैडम जी बिजी हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है विशेष के लिए, सब विश कर रहे हैं। उधर चाची हैं हमारी और पास पड़ोस की चाची हैं, तो सब लोग खाना खा रही हैं।
सब लोग ये जो खड़ी इतने दिन बाद मिल के बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने कोमल से बोला यार तुम भी खाना वाना खा के हट जाओ। बोली नहीं पहले दीदी लोग खा लेंगी तब हम खाएंगे। तो अपने दीदी और दीदी के बेटे को खिला रही हैं, उनको खिला दो यार क्योंकि रात का टाइम ज़्यादा भी हो गया था और लोग बोल रहे थे लेट भी हो रहा है घर जाना है। तो चलो लेट नहीं करेंगे भाई, खाना पीना खा लीजिए। इतनी गर्मी में कूलर के सामने खाना खाने का मज़ा ही अलग होता है। सब लोगों ने खाने की बहुत तारीफ की, हम मेरा दिल गदगद हो गया। चलो भाई मतलब पैसा सूल हो गया, इतना अच्छा टेस्टी खाना, वो भी बर्थडे पार्टी में, फर्स्ट बर्थडे पार्टी। अब क्या के आधे गेस्ट तो चले गए हमारे और कुछ जो घर के हैं बचे हुए हैं, बाहर के भी थोड़े बचे हुए हैं। The next morning. So guys, आप लोग देख रहे हैं कि हम और सोनाक्षी चश्मा लगाए हैं। तो कल तक तो मैं सही था, बिल्कुल सही था, और अचानक से पता नहीं रात में क्या हो गया कि पार्टी ख़त्म हुई, सब लोग घर पे आए और आँखें देख रही मेरा पता है लाल होने लगा, जैसे कुछ अंदर धस रहा हो, गल रहा हो, आंसू गिरने लगे। मेरा तो कल पार्टी में ही हो रहा था। जो देखेगा ब्लॉग में, जैसे जिसको नहीं पता होगा कि इनके आंखों में क्या हुआ है, हाँ? वो सोचेगा इनके घर के लोग कितने वीआईपी है, सब चश्मा। वीआईपी वाली बात नहीं है, अपनी सेफ्टी मैं चाह रहा हूँ, हमको हुआ तो किसी और को ना हो। आप लोग को पता है इस टाइम आँख वाला जो इन्फेक्शन है आई फ्लू के नाम से, न्यूज में भी आ रहा है कि ये बहुत तेज फैला हुआ है। तो जब से मैं आया था सही था, लेकिन फिर रात में घर आया देख रहा हूँ आँखें मेरे क्या हो गया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। क्यों सुना अच्छी? तो गाइस पार्टी में इतने सारे लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा, और कुछ लोग नहीं आए थे तो उनसे थोड़ा सा नाराज़गी तो रहेगी ही, लेकिन क्योंकि हमारी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था इसलिए हमने धूमधाम से मनाया, प्यार से मनाया, और आना चाहिए उनको। और मैंने पता है गिफ्ट लेने से भी मना कर दिया था उस टाइम सबका, क्योंकि जब हम लोग पार्टी में केक काट रहे थे तो फटाफट सबने बोला तो हम लोग बाहर आ गए। मतलब बाहर के स्टेज उतर के बाहर आ होता तो अलग अच्छी तरह से लगता। फिर लोगों ने क्या किया, गिफ्ट सबको हाथ में देने लगे, वहीं पे तो वो वीडियो शूट नहीं हो पाया। जो उतर के जा रहा था सबको हाथ में धीरे धीरे देने लगे, हाँ कि भैया मैं लाया हूँ ये दे दो। तो सबको जल्दी था, मतलब इसीलिए गिफ्ट का प्रॉपर ब्लॉग नहीं आ पाया कि अच्छे से लोग स्टेज पे देते हैं तो अच्छा लगता है। अब बर्थडे है तो भाई गिफ्ट तो लोग लेके आते ही हैं। ये चीज गड़बड़ा गया। और हम सोनाक्षी से देखिए काला चश्मा पहन के एकदम जम रहे हैं। अभी आपको आंखें दिखा देंगे ना, बोलोगे देख सकते हैं ये क्या हो गया है। तो आप लोग मत देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो भगा दीजिएगा क्योंकि आंखें मेरी खराब है, आपकी भी ना हो, ठीक है। बिल्कुल सेफ से रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, यही से उम्मीद है। अगर आपको हो गया है तो आप भी चश्मा लगाइए, डॉक्टर को दिखाइए, हमने दिखा के दवा लाया है, अब जल्दी सही हो जाए तो उसी का इंतजार है यार। हम लोग का टिकट भी है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमने जो गिफ्ट वाली बात बोली है अधूरा रह गया हो, लेकिन लोगों का बहुत प्यार, जिन्होंने जो भी आए बहुत प्यार दिए, अरे बाबू के लिए प्यार से गिफ्ट लाए वो बहुत ही है, मेरे लिए काफ़ी है। तो ब्लॉग को समाप्त करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं अच्छे नए ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल माय टू फैमिली।